उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में अग्निवीर जो आर्मी है उसका जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपको जो है कैसे फॉर्म को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आपको हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, फॉर्म को फाइनल सबमिट तक दिखाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अग्निपथ के बटन पे जाना है और यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। सामने जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इस तरह से खुल के आएगा, जिसको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का इस तरह से फॉर्म खुल जाता है, जहाँ पे सबसे पहले अपना जो है स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा स्टेट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आधार नंबर, अगर किसी कारण आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए आप दिए होंगे तो उसका जो इनरोलमेंट नंबर है आप यहाँ पर टिक करके दे सकते हैं, लेकिन आधार नंबर नहीं होगा तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे जो है आधार नंबर पे आपको टिक करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर को डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम है आपको डालना है, कैंडिडेट का जो नेम है, मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड है, दोनों के अनुसार सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार का मिसमैच है तो आपको जो है आधार कार्ड जरूर सुधार करवाना चाहिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके फादर या फिर गार्जियन के नेम को आप यहाँ पर लिखेंगे, मदर नेम यहाँ पर लिखेंगे। नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पे होना चाहिए, तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, दोनों वैलिड आपको डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही से आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पे डालना है और आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, उसको आपको यहाँ पे डालना है और कैप्चा को डालकर आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं गया है तो अगेन जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आप मंगा सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो है पर्सनल डिटेल्स डालना है और यहाँ पे जो आपका कंटेक्ट डिटेल होता है वो आपको डालना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट का नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे आपको जो है जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ऊँचाई कितना है, तो ऊँचाई आपको पता ही होगा, उसके हिसाब से ही आपको डालना है, तो ऊंचाई आप यहां से डाल लीजिएगा। और उसके नीचे आइएगा तो यहां पे देख सकते हैं कि आपको जो है एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना होगा कि आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने जो है अभी तक कितना तक पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने हिसाब से डालेंगे, 8 पास है कि 10th पास है कि 12th पास है, तो आप अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आप डाले हुए हैं वो पास कर गए हैं कि उसमें अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो अपीयरिंग करेंगे, पास कर गए हैं तो पास पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का जो है आपको जानकारी देना होगा कि आपने जो है कौन सा बोर्ड से किया हुआ है, मतलब CBSE से किया हुआ है कि ICSE से किया हुआ है कि ओपन स्कूल से किया हुआ है, फिर अदर से या फिर स्टेट बोर्ड से किया होगा। तो अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया होगा, जैसे कि बिहार से आपने किया हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो आप जो है स्टेट बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, बोर्ड का जो राज्य है जैसे कि बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का जो 10th का सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या होता है जो आपके मार्कशीट पे होता है या फिर प्रोविजनल पे होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिटिंग कैंडिडेट आप हैं, जैसे कि ऑलरेडी आर्मी में आपके घर के लोग काम करते हैं, तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो है पूरा जानकारी देंगे कि आर्मी नंबर, बाकी सब यहाँ पे रैंक वगैरह वगैरह आपको देना होगा, लेकिन आपके घर में कोई आर्मी पर्सन नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। किसी प्रकार का आपको मतलब यहाँ पे जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इधर आएंगे तो आपको जो है कॉन्टैक्ट का डिटेल देना होगा, जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ऑटोमेटिक रहेगा। बेसिकली यहाँ पे जो आधार नंबर आपको ऑप्शन नहीं देगा डालने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे अपना
जो तहसील होता है उसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आएंगे तो आपका जो है यूजर नेम आपका ईमेल आईडी है और आपको जो यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से रखेंगे। पासवर्ड कैसे रखना है हम आपको स्क्रीन पर दर्शा देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है और इस कैप्चा को डालकर आपको जो है सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि आपसे जो है आधार वेरिफिकेशन भी कराया जाए, नहीं तो आप यहां से आकर जो है आधार वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके आधार कार्ड और आपका जो सर्टिफिकेट है वो दोनों पे डेटा जो है मैच करना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि आपको जो है फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन मिलता है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। बट ऑटोमेटिक आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो अप्लाई वाला ही सेक्शन है। तो यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल किया हुआ है वो सारा जानकारी आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। अब आपको सिंपल सा थोड़ा सा नीचे करना है। अगर आप कोई विशेष श्रेणी से आते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं आते हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपके प्रोफाइल के अनुसार जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उस जानकारी के अनुसार आप जितने भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो पोस्ट जो है आपके सामने इस तरह से शो होंगे। जैसे कि हमने जो प्रोफाइल यहाँ पे सेट किया हुआ है तो हमारा प्रोफाइल जो है सभी मतलब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे सभी पोस्ट दिखा रहा है। लेकिन आप मान लीजिए अगर 10th पे भर रहे होंगे तो आपको जो है क्लर्क वगैरह वगैरह नहीं आएगा, टेक वाला नहीं आएगा, ठीक है, जो इंटरपास वाला पे है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया ही है, उसके हिसाब से आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे जनरल ड्यूटी है अग्निवीर के लिए, टेक है, क्लर्क है, स्टोर कीपर है, ट्रेडमैन है, तो जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने जो अप्लाई का बटन दिया गया है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इंट्रक्शन आएगा, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑनलाइन अप्लाई का जो डैशबोर्ड है इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम वगैरह वगैरह रहेगा ही। अपना यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा रिलीजन से आते हैं। उसके बाद आपका जो श्रेणी है, आप बंगाली है, बिहारी है, ब्राह्मण है, क्या है आप अपने हिसाब से, तो जनरली यहाँ पे बिहारी ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में रहना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा जो कि 5 से लेकर 10 KB के बीच में रहना चाहिए और ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे रिसाइज करने का बताया भी गया है, आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और थोड़े से नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कम्युनिकेशन जो डिटेल्स है वो डालने का आता है। अगर आपका हाउस नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है पूरा अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि आपका विलेज है, पोस्ट है, थाना वगैरह वगैरह है, वो टोटल जो है आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो विलेज अपना लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी या टाउन जो भी है, मान लीजिए आप अपने प्रखंड को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई ब्लॉक या फिर लोकेलिटी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ब्लॉक डालना ज़रूरी है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम जो ऑफिस है वो भी आप यहाँ पे चाहें तो डाल सकते हैं, बट सारे ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी को फिल करना है। अब ये आपका जो है परमानेंट एड्रेस है और आपका क्रोसोपेंड एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, लेकिन अलग है तो आप अलग यहाँ पे फिल करेंगे जो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डिटेल्स डालने के लिए यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका श्रेणी हो गया। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको जानकारी यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप NCC कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे तो उसका भी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपसे जो है स्पोर्ट का लेवल पूछा जाएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है या नेशनल स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो आपको बताना होगा। उसके बाद स्पोर्ट का जो पोजीशन है आपको देना होगा कि फर्स्ट है कि सेकेंड है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। उस तरह से NCC अगर कैंडिडेट आप हैं तो यस करेंगे तो आपको जो है जो NCC सर्टिफिकेट है वो आपको बताना होगा कि ए है कि बी है कि सी है, नहीं है तो इसको भी आप नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आपको जो है अधिकतम जो योग्यता है आपको बताना है,
जैसे कि आपका जो अधिकतम योग्यता है क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 12वीं पास हम डाले हुए थे, तो यहाँ पे हम 12वीं डाल देते हैं। अगर आपके पास वैलिड जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आपको जो है एजुकेशन डिटेल्स फिल करना होगा। सबसे पहले क्वालिफाइंग कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपने जो है कौन सा कोर्स क्वालिफाई किया हुआ है। तो अगर आपने आर्ट किया है तो आर्ट भरेंगे, टेंथ किया है तो टेंथ भरेंगे। तो हम यहाँ पे टेंथ फिल करते हैं। और जीडी के लिए बेसिकली जो है टेंथ ही मांगता है, आप सभी को पता ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टेक्निकल के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते तो वहाँ पर जो है आपको 12 का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ट्रेडमैन के लिए 8वीं पास और जीडी के लिए 10th पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको जो है 10th ही सिलेक्ट करना है चूँकि हम जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 10th जो है कौन सा बोर्ड से पास किया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, रीमेड यूनिवर्सिटी है या फिर क्या है। तो आपको जो है हमेशा स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है। बेसिकली जितने भी बिहार के लोग पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड से ही पढ़ते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने CBSE से किया हुआ है या ICSE से किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पासिंग ईयर बताना है कि आपने जो है मैट्रिक कब पास किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपने जो है कब पास किया था। इस तरह से देख सकते हैं कि सारे आपको यहाँ पे ईयर मिल जाएंगे। उसके बाद उसका रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पे मिल जाता है, उस नंबर को आपको डालना है। तो रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि हमने अभी 10th का यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से ऐड करना दिखाया, तो इस तरह से ऐड हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या फिर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड करना आपको बता दिया, तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद क्या होगा कि मैट्रिक में जो भी आप अंक लेकर आए हैं उसको जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको बताना होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 45% मार्क्स आपका होना चाहिए और इस सब्जेक्ट जो है 33% यहाँ पे मार्क्स आपका होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इस जो भी आपके मैट्रिक में मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि आपने जो है कितना उसमें नंबर लेकर आया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी में जो है हम कितना मार्क्स लेकर आए थे आप यहाँ पर बताना होगा, टोटल मार्क्स कितना था वो आपको बताना होगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो है परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा और इसको जो है आप यहाँ पर एड न्यू रो पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी जो है वेबसाइट बहुत स्लो काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम आगे आपको नहीं बता पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। लास्ट में बस यही करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज जो है ऐड कर देना है जितने भी सब्जेक्ट हैं। अगर आपके मैट्रिक के सब्जेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप अदर के बटन पर क्लिक करके उसको डाल सकते हैं, ठीक है। आपका जानकारी है इस तरह से ऐड हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में जाकर आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेंगे। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो आप एप्लीकेशन का प्रिंटआउट यहां से निकाल सकते हैं, अपने पासवर्ड को यहां से चेंज कर सकते हैं। जब एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक अफिडेविट बनवानी होती है उसका फॉर्मेट यहां से निकाल सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन आप यहां से कर सकते हैं और प्रोफाइल में किसी भी तरह का अपडेट करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। और फॉर्म को भरना मैंने आपको यहां से बता ही दिया, तो ये सारे चीज़ें होते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। लास्ट वाला स्टेज में यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, साइड का इरर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके फॉर्म फिल करना बताया। लास्ट में जो भी सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स डालना है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी जो है साइट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में या फिर आप 10th इंटर बेसिस पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं कलर के लिए या फिर टेक के लिए, तो उस कंडीशन में आपको इंटर का जो है जानकारी वहाँ पर फिल करना होगा। मतलब आपके इंटर या फिर मैट्रिक में जो भी मार्क्स है ना सब्जेक्ट वाइज उसको आपको वहाँ पर फिल करना होगा और लास्ट में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो है सबमिट हो जाता है, जिसको आप चाहें तो जो एप्लीकेशन का हिस्ट्री है वहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अभी जो है साइट उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा समय लगा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आपने भी पिछले साल जो आर्मी वाली भर्ती के लिए फॉर्म को फिल किया था, यानी कि आर्मी के पोर्टल पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पिछले वाले लॉगिन आईडी से लॉगिन करके जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पासवर्ड वगैरह याद नहीं है तो चाहे तो वहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अग्निपथ के बटन पर जाना होगा, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर जो है फॉरगेट पासवर्ड का बटन है जिसके माध्यम से अपना जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट कर सकते हैं।